छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से आज हम जो पाठ देखने वाले हैं उसका नाम है समय नहीं मिला। देखो, समय यह बहुत बड़ी चीज़ है। अगर समय एक आध बार चला गया तो वापस नहीं आता, तो इसीलिए हमें सब काम समय पर करने चाहिए। तो समय के महत्व को बताते हुए श्रीमन नारायण जी ने यह पाठ प्रस्तुत किया है जिसका नाम है समय नहीं मिला। इसके लेखक हैं श्रीमन नारायण। जब हमें किसी का कोई कार्य करने का स्मरण नहीं रहता या हमारा स्वयं का ही कोई काम अधूरा रह जाता है तो हम बचने का एक ही सरल उपाय ढूंढ लेते हैं। वह कौन सा है? समय नहीं मिला। कोई भी काम हमारा अधूरा रह जाता है और कोई भी काम हम टाल देते हैं, करते नहीं, तो एक ही काम कारण हम बताते हैं, वह कौन सा? समय नहीं मिला। पाठ में समय के सदुपयोग और नियमित जीवनचर्या की सीख दी गई है। हमारी जीवनचर्या किस तरह से होनी चाहिए और समय के सदुपयोग के बारे में इस पाठ के द्वारा जानकारी दी गई है। तो चलो देखते हैं इस पाठ में क्या है। मुझे आपका काम याद था पर क्या करूं, बिल्कुल समय ही नहीं मिला। क्षमा करें। खैर, कोई बात नहीं, अब फिर कब हाजिर हूं? कल इसी वक्त आ जाइए, समय निकालने की जरूर कोशिश करूंगा। कुछ इसी तरह की बातें न मालूम कितने लोगों को सुननी पड़ती हैं, पर अक्सर न कल कभी आया और न ही महाशय जी को काम पूरा करने का वक्त मिला। कैसे मिल सकता है? अगर समय न मिलने का कारण बार बार दे रहा है तो उसे काम करने का वक्त ही नहीं मिल सकता, उसका काम कभी भी पूरा नहीं हो सकता। इसीलिए समय का कारण बताना बहुत गलत है। हो सकता है कि वे सचमुच काफी व्यस्त रहते हो और उन्होंने समय निकालने का प्रयत्न भी किया हो, पर ज्यादातर लोग कुछ नहीं करते और उनकी टाल मटोल करने की आदत ही पड़ जाती है। किसी भी काम को टालने की आदत ही उनकी पड़ जाती है, कुछ भी नहीं करते जीवन में, कुछ भी नहीं करते, सिर्फ समय न मिलने का बहाना करते हैं और उनकी वह आदत ही पड़ जाती है, काम न करने की आदत ही पड़ जाती है। तो यहाँ पर देखिए, व्यस्त रहना का अर्थ है काम में लगे रहना और प्रयत्न का अर्थ है कोशिश। प्रयत्न यानी कोशिश। आगे देखिए, आपका पत्र यथा समय मिल गया था पर इन दिनों बहुत काम रहने के कारण मैं जल्द जवाब न दे सका। क्षमा करें। इस तरह के पत्रों की संख्या भी बेशुमार रहती है। बेशुमार का मतलब क्या है? बहुत अधिक, जिसका हिसाब न रखा जा सके, यानी बेशुमार। इस प्रकार लिखने का कुछ फैशन ही हो गया है, पर लोग भूल जाते हैं कि अगर बड़े आदमियों को वक्त न मिलने की वजह से पत्रों का उत्तर देने में देरी भी हो जाती है तो इसका यह मतलब नहीं कि जो व्यक्ति खतों का जवाब देरी से देता है वह इसी कारण बड़ा बन जाता है। कुछ लोगों की समझ होती है कि बड़े लोग खतों का जवाब नहीं देते, इसी कारण वह बड़े बन जाते हैं, क्योंकि वह अन्य काम में व्यस्त रहते हैं। तो ऐसा नहीं है। देखो आगे, और मेरा तो यह भी अनुभव है कि जो लोग सचमुच बड़े हैं और बहुत व्यस्त रहते हैं, उनका पत्र व्यवहार भी बहुत व्यवस्थित रहता है, उनका जीवन नियमित रहता है और वे रोज का काम उसी समय पर निपटा देते हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बड़े होते हैं, अपना पत्र व्यवहार भी व्यवस्थित करते हैं, उनके जीवन में सब काम वो समय पर ही निपटा देते हैं। तो ऐसे भी लोग होते हैं, वो बड़े होते हैं, इसी कारण वह बड़े बनते हैं, है ना। अगर किसी सज्जन का जवाब मुझे वक्त पर नहीं मिलता है तो मैं या तो यह समझ लेता हूँ कि शायद डाकघर की गलती से पत्र ही देर से पहुँचा या न भी पहुँचा हो, या फिर महाशय जी का जीवन ही अस्त व्यस्त और ढीला होगा। देखो, अगर किसी सज्जन ने इनके लेखक के पत्रों का जवाब अगर नहीं दिया हो तो वह समझ लेते हैं कि कोई डाकघर की गलती हो गई होगी, पत्र ही समय पर नहीं पहुँचा होगा, या फिर उस महाशय जी का ही जीवन अस्त व्यस्त हो, वह किसी पत्र का जवाब समय पर न देते होंगे। और आगे कहा है, देखिए, वे पत्र पढ़कर कहीं इधर उधर डाल देते होंगे, जीवन उनका ढीला होगा और अस्त व्यस्त होगा, यानी कैसे होगा, देखिए, वे पत्र पढ़कर कहीं इधर उधर डाल देते होंगे और फिर उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं रहता होगा या उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा। देखिए, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। किसी का पत्र आया है वो महत्वपूर्ण हो सकता है, कोई जवाब भी पाना चाहता होगा,
तो ऐसे पत्रों का जवाब देना आना चाहिए, समय पर जवाब देना आना चाहिए। ठीक है, डाकघर की गलती हो गई, समय पर पत्र नहीं पहुंचा तो बात अलग है, पर पत्र मिला है, पत्र न पढ़ते हुए इधर उधर अगर डाल दिया और पत्र का जवाब भी समय पर नहीं दिया तो उसका जीवन कैसा हो सकता है, अस्त व्यस्त और ढीला, तो ऐसे नहीं होना चाहिए। देखिए, वे पत्र पढ़कर कहीं इधर उधर डाल देते होंगे और फिर उन्हें जवाब देने का ख्याल अक्सर नहीं रहता होगा या उत्तर देने के वक्त पत्र ही नहीं मिलता होगा, और जब उन्हें लगता है कि अभी समय है और इसके पत्र का जवाब देना चाहिए तब उनको पत्र ही नहीं मिलता होगा, वो भूल जाते होंगे कि पत्र में क्या था। जो भी हो, समय न मिलने का बहाना अक्सर अपनी कमजोरी और अनियमितता को ढकने के लिए किया जाता है। समय न मिलने का बहाना किस लिए किया जाता है? अपनी कमजोरी और अनियमितता को ढकने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, समय न मिलने का बहाना बार बार किया जाता है। किंतु देखो, अनियमितता का अर्थ क्या है? अनियमितता यानी नियम पूर्वक काम न करना यानी अनियमितता। किंतु यह कोई तारीफ की बात नहीं है, समय का अपमान करके न कोई बड़ा बन सका है और न बन सकेगा, तो हमें ऐसे नहीं करना चाहिए। समय का अगर अपमान कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, इससे कोई आपका काम होने वाला नहीं है, इसीलिए समय न मिला ऐसे कारण बताना नहीं है। देखो आगे, एक बार अंग्रेजी के मशहूर साहित्यकार डॉक्टर जॉनसन के पास उनका एक मित्र आया और अफसोस जाहिर करने लगा कि उसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए समय ही नहीं मिलता। डॉक्टर जॉनसन एक मशहूर साहित्यकार हैं और इनका मित्र इनके घर में आया और अफसोस जाहिर करने लगा कि उसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं मिलता। अफसोस का मतलब क्या है? देखिए, अफसोस का मतलब क्या है दुख। वह अपना दुख बताने लगा कि इसे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं मिलते, और वह कारण क्या है वो देखिए। क्यों? डॉक्टर जॉनसन ने पूछा। आप ही देखिए, दिन रात मिलाकर सिर्फ 24 घंटे होते हैं। कितने दिन के दिन रात मिलाकर कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे होते हैं। उनमें से 8 घंटे तो सोने में ही निकल जाते हैं। कितने सोते हैं? 8 घंटे सोने में ही निकल जाते हैं, वो डॉक्टर जॉनसन का मित्र बोला। पर यह बात सभी के लिए लागू है, डॉक्टर जॉनसन ने कहा। देखो, डॉक्टर जॉनसन ने उनको कहा कि यह बात तो सभी के लिए लागू है, मुझे भी 24 घंटे मिलते हैं, आपको भी 24 घंटे ही मिलते हैं, और सभी को 24 घंटे ही मिलते हैं, और करीब 8 ही घंटे ऑफिस में काम करना पड़ता है। देखिए, 8 घंटे, 24 घंटों में से 8 घंटे सोने के लिए निकल जाते हैं, 8 घंटे ऑफिस का काम करने के लिए जाते हैं, और बाकी 8 घंटे, डॉक्टर जॉनसन ने पूछा, इन्हें 8 घंटे में खाना पीना होता है, हजामत बनाना, नहाना धोना, ऑफिस आना जाना, इत्यादि इत्यादि कितने काम रहते हैं, मैं तो बड़ा परेशान हूँ। मित्र बोला कि मेरे 24 घंटे कैसे निकल जाते हैं मुझे ही पता नहीं चलता, और मेरे 24 घंटों में मुझे धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के लिए नहीं मिलते। मेरे 24 घंटों में से 8 घंटे तो सोने के लिए निकल जाते हैं, 8 घंटे ऑफिस के कामकाज के लिए निकल जाते हैं, और बाकी बचे 8 घंटों में खाना पीना होता है, हजामत बनाना, नहाना धोना, ऑफिस आना जाना, इत्यादि इत्यादि बहुत काम होते हैं, इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। तब तो मुझे भी अब भूखों मरना पड़ेगा। कौन बोला? डॉक्टर जॉनसन। तब तो मुझे भी अब भूखों मरना पड़ेगा, डॉक्टर जॉनसन एक गहरी सांस लेकर बोले। मुझे भी अब भूखा मरना पड़ेगा? क्यों क्यों? उनके मित्र ने पूछा। मैं काफ़ी खाने वाला आदमी हूँ और अन्न उपजाने के लिए दुनिया में 1/4 ही तो जमीन है, 3/4 तो पानी ही है। संसार में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें अपना पेट भरना पड़ता है। देखिए, 24 घंटे इसको मिल रहे हैं और 24 घंटे में इसको पढ़ने के लिए वक्त नहीं मिल रहा है। तो देखिए, इसका जवाब देते हुए वो किस तरह से बोले, देखिए, मैं काफ़ी खाने वाला आदमी हूँ और अन्न उपजाने के लिए दुनिया में 1/4 तो जमीन है, 3/4 तो पानी ही है। संसार में मेरे जैसे करोड़ों लोग हैं जिन्हें अपना पेट भरना पड़ता है, पर इतने लोगों के लिए फिर भी जमीन काफ़ी है ना,
ऐसे इनके मित्र बोले। काफी कहाँ है, डॉक्टर जॉनसन क्या बोले देखिए, काफी कहाँ है, इस एक चौथाई जमीन में कितने पहाड़ हैं, उबड़ खाबड़ स्थल है, नदी नाले हैं, रेगिस्तान और बंजर भूमि है, अब मेरा भी कैसे निभ सकेगा भगवान। देखिए बंजर भूमि यानी जिस भूमि में कोई पौधा न उगता हो, जिस भूमि में कोई पौधा न उगता हो उसे बंजर भूमि कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर काफी कहाँ है, इस एक चौथाई जमीन में कितने पहाड़ हैं, उबड़ खाबड़ स्थल हैं, नदी नाले हैं, रेगिस्तान और बंजर भूमि है। जैसे कि इसको 24 घंटों में 8 घंटे सोने हैं, 8 घंटे बाकी के कामकाज है, ऑफिस के कामकाज है, उसी तरह इस एक चौथाई जमीन में क्या क्या है, उबड़ खाबड़ स्थल है, नदी नाले है, रेगिस्तान है, और अन्न उपजाने के लिए जगह किधर है, तो काफ़ी खाने वाले लोगों के लिए अन्न कहाँ से मिलेगा, ऐसा इनका प्रश्न है, जॉनसन का प्रश्न है। अब मेरा भी कैसे निभ सकेगा भगवान। मित्र महोदय बड़ी हमदर्दी के साथ डॉक्टर जॉनसन को दिलासा देने लगे कि उन्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, दुनिया में करोड़ों लोग रहते आए हैं और उन्हें सदा अन्न मिलता ही रहता है। देखो ऐसे लोग करोड़ों लोग दुनिया में हैं, अभी तक वो जीते आए हैं, उनको अन्न मिलता ही आया है, एक चौथाई जमीन हो फिर भी उन्हें अन्न मिलता ही है, ऐसे डॉक्टर जॉनसन के मित्र का कहना है। उस पर ये क्या बोले देखिए, आप ठीक कहते हैं भाई, देखो अपने डॉक्टर जॉनसन अपने मित्र को बोल रहे हैं, आप ठीक कहते हैं भाई, पर अगर मेरे भोजन का इंतजाम हो सकता है तो आपको धार्मिक किताबें पढ़ने का भी समय अवश्य मिल सकता है, डॉक्टर जॉनसन ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया। देखो 24 घंटों में आपको ऐसा समय मिल ही सकता है, एक घंटा तो आपको निकालने के लिए मिल सकता है धार्मिक किताबें पढ़ने के लिए, है ना, या फिर 24 घंटे आप व्यस्त रहते हैं ऐसा होता है नहीं। जैसे कि एक चौथाई जमीन पर अन्न उपजाने के लिए जगह मिलती है, उसी तरह 24 घंटों में पढ़ने के लिए आपको आसानी से समय मिलेगा, ऐसे कहना डॉक्टर जॉनसन का है। डॉक्टर जॉनसन ने किस तरह से अपने मित्र को समय के सदुपयोग के बारे में बताया, देखो यहाँ पर डॉक्टर जॉनसन ने अपने मित्र को किस उसके प्रश्नों का जवाब दिया कि उसे 24 घंटों में से पढ़ने के लिए समय नहीं मिल रहा था, उसका जवाब बहुत ही समझदारी से डॉक्टर जॉनसन ने दिया है। देखो आज हम इतना ही देखते हैं, इसके आगे का जो पाठ है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। जितना भी पाठ हुआ है उतना आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और जितने भी शब्दार्थ हुए हैं उनका वाचन करना है।